नमस्कार बच्चों, वेलकम टू द टर्न द बस यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.5। तो अभी तक हमने दो मेथड, विस्थापन मेथड और प्रतिस्थापन मेथड और विलोपन मेथड कर लिया है। तीसरा है ब्रज गुणन या बीज गुणन भी इसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस मेथड को आज सीखेंगे। ठीक है, तो निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, बताना है। पहले जो हमने टेबल से सीखा था ना कि क्या कंडीशन है ए बटे ए टू का और बी बटे बी टू और सी बटे सी टू का क्या अनुपात है, उसके हिसाब से अद्वितीय हल हो सकता है या फिर अनेक या फिर कोई हल नहीं। तो पहले तो चेक करना है, क्योंकि हम लोग को हल उसी का निकालना आता है जिसका अद्वितीय हल यानी जिसका एक हल हो। तो इसका देख लेते हैं, ए वन बटे ए टू कितना है, 1/3, और b1/b2 कितना है, -3/-9, ये भी हो गया 1/3। लेकिन c1/c2 कितना है, -3/-2 यानी 3/2। यानी इसमें a1/a2 इक्वल तो है b1/b2 से, दोनों 1/3 है, पर इससे c1/c2 से इक्वल नहीं है। तो ये किसका आ गया, यानी कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा इसका। तो इसको तो हमें हल ही नहीं करना है। दूसरा चेक कर लेते हैं, a1/a2 कितना है, 2/3। b1/b2 कितना है, 1/2। अब ये देखिए, सी इधर है तो इसको हमें इधर LHS में लाएंगे तो ये -5 होगा और ये -8। यानी c1/c2 कितना है, -5/-8 यानी 5/8। तो पहला और क्या देखे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसलिए जब ऐसा कंडीशन होता है तो इसका क्या होता है, अद्वितीय हल। ठीक है, यानी इसका अद्वितीय हल है और इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब हम लोग इसको ब्रज गुणन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो 1 तो नहीं सॉल्व होगा क्योंकि इसका कोई हल नहीं है, हम लोग कौन सा सॉल्व कर सकते हैं, 2। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, 2x+y-5=equation number 1 और 3x+2y-8=equation number 2। तो ब्रज गुणन मेथड में होता क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, xy b1c2-b2c1 y/c1a2-c2a1 1/a1b2-a2b1। ये कैसे आया, तो ये वाला देखिए, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, सॉरी सॉरी, ठीक है, तो पहला क्या, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है और ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जब x रहेगा तो ये जो a1 a2 है ना, इसको ढक देना, x वाला पूरा ढक देना और दूसरा लेना है। तो किसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसमें, ये यहाँ से जाएगा इसमें और इसमें ऐसे जाएगा, तो ये b1c2-c2v1। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, x नहीं, यहीं पे रहने देते हैं, b1c2-b2c1 ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब जब y रहेगा, जब y रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसको पूरा हटा देंगे। अब y वाले को हम लोग नहीं देखेंगे,
तो बच गया वो, उसको देखेंगे तो अब इससे मल्टीप्लाई होगा ए वन सी वन ए टू और ए वन सी टू, ठीक है, यही है सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, अब लास्ट वाला देखना है सी वाला। अब सी को ढक देंगे, सी को ढक देंगे तो आप किसको देखेंगे, ए वन वी वन और ए टू वी टू, इसको कर देंगे यानी ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब इसमें सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं, ए वन का वैल्यू कितना है टू, बी वन का वन और सी वन का माइनस पांच, यहां से लिखो ये वाला वैल्यू माइनस पांच लेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ए टू का वैल्यू कितना है तीन, बी टू का वैल्यू कितना है दो और सी टू का वैल्यू कितना है माइनस आठ। अब फॉर्मूले में बिठा दीजिए, बी वन दो गुना दो, बी वन सी टू है ना, सॉरी बी वन एक सेकेंड लेट मी, बी वन कितना है वन, बी वन सी टू लेना है यानी वन गुना माइनस आठ, वन गुना माइनस आठ और बी टू सी वन यानी माइनस ऑफ टू गुना माइनस पांच, वाई है सी वन ए टू यानी सी वन ए टू माइनस पांच गुना तीन माइनस दो गुना माइनस आठ, वन वाला क्या है ए वन बी टू यानी दो गुना दो माइनस ए टू बी वन तीन गुना एक, ठीक है ना। तो ये कितना यहाँ पे हम लोग आगे लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स बटे कितना आ जाएगा माइनस आठ माइनस माइनस प्लस दस, वाई बटे माइनस आठ सॉरी पंक्ति पंद्रह ना माइनस पंद्रह प्लस सोलह एक बटे चार माइनस तीन यानी एक्स बटे दो इज इक्वल टू वाई बटे एक इज इक्वल टू वन बटे एक, इसको करेंगे तो पहले एक बार इसको लेंगे और इसको लेंगे, एक्स बटे दो इज इक्वल टू वन बटे वन तो एक्स का मान कितना आ गया दो, ठीक है। अब ये दोनों को लेंगे y बटे वन इज इक्वल टू वन बटे वन यानी y इज इक्वल टू वन, चेक भी कर सकते हैं, दो दूनी चार प्लस एक पांच माइनस पांच जीरो, तो यहाँ पे ये जीरो रहता है, ठीक है। अब हम लोग इसी मेथड से क्वेश्चन नंबर चार को सॉल्व करेंगे, इससे पहले जो क्वेश्चन है आप आसान है उसको कर सकते हैं, तो इसको बीजगणितीय विधि से ही सॉल्व करना है, ठीक है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग निगत है यानी फिक्स है, जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो ना तो एडमिशन चार्ज फिक्स होता है और उसके बाद हर महीने फीस लगते हैं, तो इसलिए हॉस्टल में भी रहते हैं तो एक बार फिक्स लग जाता है और उसके बाद हर महीने लेते हैं, शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है, ठीक है। अब जितने दिन वो रहेगा जितने दिन भोजन खाएगा एक दिन का जो भी दाम होगा उससे गुना करके उतने दिन का देना होगा। जब एक छात्र ए 20 दिन का भोजन करता है तो 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, यानी एक कोई बच्चा है जो 20 दिन वहां भोजन किया है उसको व्यय करना पड़ा है 1000 रुपए। जबकि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन रहता है और उसको कितना पैसे देने पड़ते हैं 1800, तो निकट नियत व्यय यानी फिक्स और ये पर डे वाला के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं नियत व्यय फिक्स है, तो यानी मान लेते हैं ये रुपीज एक्स है और जो प्रतिदिन वाला है प्रतिदिन जो व्यय है वो रुपीज वाई है, तो जितने दिन रहेगा ये वाई से गुना हो जाएगा, ये तो फिक्स रहेगा, तो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टूडेंट ए है पहले, ये वाला तो फिक्स है, कितने दिन रहता है 20 दिन, तो 20 गुना y कितना लगे हैं 1000, इसको आप लिख लेना है x प्लस 20 y माइनस 1000, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू 0, सब LHS में लाना पड़ता है। वैसे ही स्टूडेंट बी के लिए x फिक्स है 26 दिन रहता है, 26 y इज इक्वल टू 1180। तो यहाँ पे x प्लस 26 माइनस 1180 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। फॉर्मूला लिख लीजिए, a1 का वैल्यू लिख लीजिए, a1 कितना है 1, b1 26 y है, b1 है आपका 20, c1 है आपका माइनस 1000, और वैसे ही आपका a2 है 1, b2 है 26, यहां से मैं वैल्यू लिख रही हूँ 26 है ये, और c2 है माइनस 1180। फॉर्मूला लगा देंगे सीधा, क्या था पहला, b1 c2 माइनस b2 c1, ये क्या है, b को कवर कर देंगे तो c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1, वैल्यू डालते जाएंगे, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, b1 c2, b1 और c2 20 गुना माइनस, ठीक है, माइनस b2 c1 यानी 26 गुना माइनस 1000, c1 a2 यानी माइनस 1000 गुना 1, तो ये रहने देते हैं, माइनस ऑफ माइनस 1800 गुना 1 है तो रहने देते 1180, और ये 1/ a1 b2 यानी 26 × 1 माइनस 20, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, x बटे इसको गुना कर देंगे तो 18 × 36 और 2 × 1 8 × 2 16, 2 × 1 3 236, 20 ये माइनस में है और ये माइनस माइनस प्लस 26000 इज इक्वल टू y बटे ये कितना है, ये 1000 प्लस 80, ये 1000 माइनस में और प्लस 1180 इज इक्वल टू 1/26 − 20 6। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2400, और ये आ जाएगा y बटे 180, इन दोनों को करेंगे x इज इक्वल टू 2400/6, तो x का वैल्यू आ गया 400, और इन दोनों को करेंगे तो y इज इक्वल टू 180/6 यानी 30, तो एक दिन का उसको 30 रुपया देना पड़ता है, और फिक्स चार्ज है 400 रुपये, दे सकते हैं 20 दिन रहता है 600 + 400 = 1000, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 1, जो कि हमने ब्रजगुणन मेथड से करा है।